इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपके पास भी कोई भी रियलमी का फ़ोन है तो रियलमी के फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव किस तरह से किया जाता है, या फिर किसी भी व्यक्ति का नंबर आप अपने फ़ोन के अंदर किस तरह से सेव कर सकते हैं। रियलमी के सभी डिवाइस में सेम मेथड है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। रियलमी के किसी भी फ़ोन के अंदर नंबर सेव करने के लिए सबसे पहले हमें फ़ोन का जो ऑप्शन होता है, फ़ोन वाला जो आइकॉन होता है या फिर ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा फ़ोन का ऑप्शन है, उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आने के बाद इस तरह का एक डायल पैड नीचे आपको देखने को मिलता है। नीचे आपको डायल पैड के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने इस डायल पैड के ऊपर क्लिक कर दिया तो हमारे सामने यहाँ पर आ चुके हैं नंबर डालने का ऑप्शन। अब आपको जो भी नंबर सेव करना है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर इंटर करेंगे। जो भी नंबर है आपका वो यहाँ पर आपको पहले इंटर कर लेना है। मान लीजिए आपको इस तरह का कोई नंबर अपने फ़ोन के अंदर सेव करना है। ये नंबर डालने के बाद आपके सामने ऊपर कुछ इस तरह के मैसेजेस का ऑप्शन या फिर वीडियो कॉल, ऐड टू कॉन्टैक्ट और क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट, ऊपर आप सबसे ऊपर देखेंगे चार नंबर ऑप्शन आ चुके हैं। हमें न्यू कॉन्टैक्ट में ऐड करना है, यानी कि हमें नया कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने गूगल अकाउंट में इस नंबर को सेव करना चाहते हैं या फिर अपने फ़ोन के अंदर डिवाइस के अंदर। तो मैं यहाँ पर डिवाइस चूज़ करूँगा। यहाँ पर अलग अलग फ़ोन में सिम कार्ड का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो मैं यहाँ पर डिवाइस चूज़ करूँगा। डिवाइस चूज़ करने के बाद यहाँ पर आ चुका है, आपको यहाँ पर नाम डालना है। जिस भी व्यक्ति का आप नंबर सेव करना चाहते हैं उसका यहाँ पर आप नाम डालेंगे, शुरुआत वाला नाम। मान लीजिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और यहाँ पर उसके बाद आपको उसका सरनेम लास्ट नेम भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लेबल वगैरह लगा सकते हैं या फिर इसको छोड़ देंगे। डिवाइस का ऑप्शन है तो यहाँ पर आप उसको भी चूज़ करेंगे, और यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ऊपर आ जाएगा और आपने जिस तरह से सेव किया है वो भी आपको शो करवा देगा। तो इस तरीके से आप भी अपने रियलमी के किसी भी फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।